नमस्कार दोस्तों, ओमनीशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीशन इंग्लिश के तहत 824वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे बहुत ही आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में 7 और 11 लेटर के वर्ड जो कि खे शुरू हो रहे हैं उन पर बात होगी, साथ ही एक टेक्स्ट पर। और जिनको भी इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है, वैसे लोग जो कि बहुत ही डरते हैं इंग्लिश को लेकर, कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में जो उनको उस इंग्लिश वर्ड को लेकर जो डर है, खौफ है, या पढ़ने में अटक रहे हैं या फिर समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से कैसे वो शुरू करें, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आपके जो दिमाग में जो भी बात चलते हैं उन सब पर बात होगी और एक प्रैक्टिस सेट भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारे जो है ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है अल्फ़ाबेट और वर्णमाला के बारे में, इसके बारे में बात जो है शुरुआत में जो की गई है आपके जीवन में वो बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही हाई लेवल से की गई है ना। लेवल यानी कि उसका उच्च था, जो चीज़ बताना चाहिए था या जो चीज़ आपको सामने वाला बताता या जो भी आपका टीचर या गाइड करने वाला था अगर या ट्रेनर थे, अगर उन्होंने नहीं बताया तो इसी वजह से जो है आप अंग्रेज़ी आप नहीं पढ़ पा रहे। कारण क्या है कि अगर आपने पढ़ा है फिर भी नहीं ढंग से उसका उच्चारण कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अल्फ़ाबेट का सही सही उच्चारण आपको नहीं पता है। ये 26 लेटर के अल्फ़ाबेट में उच्चारण की संख्या अगर कह सकते हैं 63 यानी 60 प्लस जो है इसका उच्चारण करने का तरीका है। अगर ये बताइए कि 26 लेटर हैं लेकिन उच्चारण 60 प्लस हो जाते हैं, ठीक है, 60 प्लस हो जाते हैं, और ऐसे में अगर आप इन तीन तरह के जो कि 26 लेटर है नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो पता ही नहीं है आपको कि उच्चारण क्या हो रहा है। जैसे देखिए, ए बी सी डी जो है जेड तक है, यही 26 लेटर हैं और इसी पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग एक्चुअली जो भी इंग्लिश में जो भी लेटर्स लिखे वर्ड लिखे आते तो इसी का जो है कह सकते हैं कि जोड़ है और इसी को आगे पीछे कर कर ही तो वर्ड मीनिंग बन जा रहा है। और देखिए, इसमें जो दो पार्ट है ए ई आई ओ यू, ये पांच जो है तो हमारा भौवेल है, पांच क्या है भौवेल है, और ये भौवेल इसका सही से उच्चारण अगर आप करना सीखेंगे तभी आप शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। अदरवाइज पढ़ने में कहीं ना कहीं आप अटकेंगे, समझ में नहीं आएगा कि भाई कैसे पढ़ा जा गया है, क्यों पढ़ा गया है, ये बहुत सारी बात आपके दिमाग में प्रश्न शुरुआती जो पढ़ते हैं उनके साथ होती है जो सीखते हैं। तो देखिए, ये जो है कुल 23 तरह से भौवेल का उच्चारण हो रहा है तो पाँच छः ही है ना, लेकिन उच्चारण 23 तरह से क्यों हो रहा है? आखिर वो बाकी जो बस्ता 17-18 वर्ड है जो एक्चुअली जो उच्चारण करने का जो तरीका है वो आपको क्यों नहीं पता है? तो इस सब पे बात करेंगे। अब देखिए, उसके बाद जो है किस लेटर बचते हैं कॉन्सोनेंट के, तो ये कॉन्सोनेंट का जो लेटर है तो ये भी 21 ही है, लेकिन जो 46 के आसपास का जो है उच्चारण करने का तरीका सीखा जा सकता है। जैसे डी को ड तो बोलते हैं, ज बोलते हैं, टी को ट तो बोलते हैं, च और स बोलते हैं। ये है कि टी से ट होता है, टी से च होता है। और भी बहुत सारे चीज़ हैं जैसे के है, एल है, एम है, एन है, ये सब जो है साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स के रूप में भी काम करते हैं। उसके अलावा क्यू है, ए को जो क है उसको जो है 6 तरह से पढ़ा जाता है, ज को जो है 5 तरह से पढ़ते हैं, ये सब कौन कौन से लेटर में इस पर तो समानता है। व्यंजन की वजह से हम लोग बहुत सारे कॉन्सोनेंट का हिंदी जो इंग्लिश भी हिंदी भी जानते हैं या कह सकते हैं व्यंजन का भी जो व्यंजन है उसका अंग्रेजी भी जो लेटर से वो भी जानते हैं। अब देखिए, इसके बाद जो वर्णमाला है, वर्णमाला की संख्या 50 है, कहीं ना कहीं हिंदी व्याकरण ज़्यादा कठिन है हिंदी इंग्लिश ग्रामर से। और ये देखिए कैसे 50 होता है, तो स्वर जो है 14 हो जाता है और व्यंजन जो है 36 हो जाता है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद जो है 50 लेटर होते हैं। इन दोनों का हिंदी तो याद रखना ही होगा आपको, साथ साथ अंग्रेजी भी याद रखना हो, नहीं तो आप हिंदी के जो शब्द हैं उसको नहीं पढ़ पाएंगे जो इंग्लिश में लिखा रहेगा, या आप हिंदी के शब्दों का अंग्रेजी में लिखना चाह रहे हैं तो नहीं लिख पाएंगे। कोई भी वर्ड मीनिंग जो है, कोई भी वर्ड अपने आप में बनने का क्या पैटर्न है, इस पैटर्न को समझिए। तो कॉन्सोनेंट लेटर आता है, फिर भौवेल लेटर आता है, फिर कॉन्सोनेंट लेटर आता है, फिर भौवेल लेटर आता है, इस तरह करके एक वर्ड बन जाता है। या कभी कभी भौवेल से शुरू होता है, फिर कॉन्सोनेंट से, फिर भौवेल से, फिर कॉन्सोनेंट से, इस तरह करके वर्ड मीनिंग बनते हैं। तो इन पे आपको ध्यान देना, अगर आप ये समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब जो है बात करते हैं दोस्तों वर्णमाला का, जिसका पहला पाठ है स्वर, यहाँ पर उच्चारण मात्रा चिन्ह अंग्रेजी के बारे में बात होगी।
खासकर मात्रा चिन्ह पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अ आ ई ई उ री री। ये अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से, बड़ी कार का ये, छोटी कार का ये, बड़ी कार का ये, री का बड़ी री का है। उसके बाद देखिए जो अंग्रेजी की बात करें तो अ का ए, आ का डबल है, ज़्यादा सिंगल का इस्तेमाल होता है, छोटी का आए बड़ी का डबल ई, उ का यू बड़ी का डबल, री का आ रहा है बड़ी री का आ डबल ई। उसके बाद दोस्तों ए ऐ ओ औ अन अ, ए का मात्रा चिन्ह ऐसे, ओ आय का दो ऊपर हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर एक नीचे, अन का ई हो गया और यहाँ का यहाँ। इसका अंग्रेजी क्या होगा तो ए का ई, आय का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये तीन है, तीन को बहुत ही सावधानीपूर्वक आप समझेंगे क्योंकि ये चीज़ें लोग अक्सर भूल जाते हैं। देखिए मात्रा चिन्ह का क्या खेल है, अगर मान लीजिए कि एक शब्द मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये शब्द हिंदी का है, इसमें नाम लिख दिया मैंने कृतिका। अब यहाँ मात्रा चिन्ह देखिए, री का री है, छोटी री है और ईकार है मतलब ह्रस्व है, तो ये देखिए आई हो जाएगा, इसका आकार के लिए डबल या सिंगल ही होता है। कैसे लिखेंगे तो के आर आई टी आई के ए, तो इस तरह से जो मात्रा चिन्ह का उपयोग करना सीखिए। अगर मात्रा चिन्ह का उपयोग करना सीखेंगे तभी तो आप न्यूज़ वाले चीज़ को पढ़ेंगे या जो भी बहुत टेक्स्ट हैं तो उसमें तो हिंदी के शब्द तो आएंगे ही आएंगे। अब चलिए स्वर के बाद व्यंजन में बात करते हैं। व्यंजन की संख्या 36, जितने भी आप 36 व्यंजन हैं सभी के सभी आधे होते हैं और इनमें जब तक कि कोई स्वर न जुड़ जाए ये अक्षर नहीं बनते हैं। देखिए 36 में से कोई एक व्यंजन, 36 में से किसी भी एक व्यंजन को उठाइए और उसमें से स्वर को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद बन जाता है हमारा अक्षर। क्या बनता है हमारा अक्षर बनता है, और अक्षर को अक्षर से जोड़िए, अक्षर को अक्षर से जोड़ने के बाद हमारा बन जाता है शब्द। अक्षर को अक्षर जोड़ने के बाद हमारा शब्द बनता है, शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य, शब्दों के समूह के वाक्य बोलते हैं। तो देखिए ये क जो है, ये क है, इसके बाद एक्चुअली अथा व्यंजन उसमें मैंने अ मिला दिया, आ मिला दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर का एक अक्षर आ गया जो कि मात्रा चिन्ह के साथ है, यानी जो भी अक्षर होता है वो मात्रा चिन्ह के साथ होता है। अंग्रेजी क्या लिखेंगे तो के हो जाएगा इधर, इसमें अगर आ के लिए डबल ए नहीं सिंगल ए का इस्तेमाल हुआ है तो इस तरह से के ए हो जाता है, कहीं कहीं डबल ए का इस्तेमाल भी करते हैं तो ये अपना जो लिबर्टी दी गई है। अब देखिए संस्कृत के शब्दों में अंग इया और संयुक्त अक्षर के लिए विशेष रूप से ध्यान देना होगा आपको अक्षत्र और ज्ञ को, बाकी आप जैसे टठड़ना तथड़ना के लिए एक ही अंग्रेजी होता है टी टी एच डी डी एच एंड, तो इनको अच्छे तरह से आप याद रखिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक याद करना होगा और उसके बाद आपको स्वर, स्वर का मात्रा चिन्ह को याद रखना हो, उसके अनुसार आप लिख के देखिए, कम से कम आप प्रैक्टिस कीजिए, घर के सभी लोगों के नाम है को लिख कर देखिए करेक्ट, अगर लिख पा रहे हैं तो यानी आपको ये चीज़ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आगे बढ़ जाइए और कॉन्सोनेंट पे चलेंगे। कॉन्सोनेंट में यहाँ पर उच्चारण की बात होगी, देखिए अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू, ये पाँच को हटा लीजिए तो जो हमारा बचता है वो कॉन्सोनेंट है, मात्रा चिन्ह 21 हो जा रहा है। अब देखिए क्या उच्चारण होगा, तो बी को क्या बोलेंगे, ब बोलेंगे, सी को कशा बोलेंगे, डी को डदा बोलेंगे, एफ को फा, जी को गजा, एच को बोलते हैं ह, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाना, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को साजा, टी को टाता और चसा भी बोलते हैं, भी को वाह, डब्लू को ई वाह बोलते हैं, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जाजा बोलते हैं। अब देखिए कि क के लिए कितने सारे लेटर्स हो जाते हैं, जैसे सी से भी क है, के से भी क है, और सी के से भी क है, क्यू से भी क जो कि यहाँ भी है, क्यू से क होगा, क्यू यू ई से भी का होता है और सी एस से भी का होता है, ये चार लेटर्स हो गए। उसके बाद स के लिए सी होता है, डी से डत होता है, ज भी होता है, जैसे एक वर्ड है जी आर ए डी यू ए डबल एल वाई, ग्रेजुअली है, जिसमें डी को ज उच्चारण किया गया, ग्रेजुअली ग्रेजुएट, अब डत बोल दो तो ग्रेजुएट ग्रेजुअली इस तरह से होता भी नहीं है, आपको लग रहा होगा। डी टी से टत और चसा कैसे होगा, देखिए कुछ सफिक्स पार्ट की बात करते हैं, टी यू आर ई को चर बोलते हैं, टी यू आर ई को चर बोलते हैं, और टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल, टी यू एल को बोलते हैं चुअल बोलते हैं। इसके बाद टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल, तो ये है सन और ये है सी एल, ठीक है, सन हो या सी एल हो, ये सब सफिक्स पार्ट है, ये सब क्या है सफिक्स पार्ट है, और जो कि अंग्रेजी वर्ड में क्लास में आता है, जैसे चर्च है फर्नीचर हो जाएगा, नेचर हो जाएगा, एक्चुअल से फैक्चुअल हो जाएगा, एक्चुअल हो जाएगा चुअल से, सन से कंडीशन, सियल से इसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, जैसे वर्ड्स हो जाते हैं। अब देखिए एक्स को तो एक्स बोलते हैं, जैसे देखिए ओ एक्स में एक्स का उच्चारण एक्स ही हो रहा है, या फॉक्स भी लिख दिए तो भी एक्स का उच्चारण एक्स ही हो रहा है, लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग जो है ई एक्स से भी स्टार्ट होता है,
तो क्या होगा, जैसे ई एक्स से स्टार्ट होगा तो भी एक्स ही उच्चारण करेंगे, जैसे ई एक्स सी यू एस ई, एक्स का उच्चारण एक्स हो रहा है, एक्स क्यूज है ना बोल रहे हैं, और कभी कभी जो है एक्स एक्स को ही एक्ज बोलते हैं, एक्ज एक्ज बोलते हैं, यानी इसका मतलब होता है ई एक्स ए एम है ना, ई एक्स एम यानी एग्जाम, तो एक्स को क्या बोलते हैं, एक्ज भी बोलते हैं, तो एग्जाम हो गया। तो इनको ध्यान रखिए क्योंकि आने वाले स्लाइड में आपको ये बहुत सारे काम आने वाले हैं। अब देखिए बात करेंगे सो भॉवेल पे, भॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ए को आप क्या उच्चारण करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एम ई डी ए एल, ए का उच्चारण यहाँ भी पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे सभी लोग जानते हैं मेडल पढ़ते हैं, यानी ए का उच्चारण यहाँ पर अ पढ़ें, अगर ए पढ़ते तो मेडल हो जाता जो कि ए यहाँ लिखा हुआ भी है ना। अभी देखिए एम ए डबल एस क्या पढ़ते हैं, ए का उच्चारण, अगर ए पढ़ते तो मेस पढ़ते जो गलत है ना, मास यहाँ शुद्ध उच्चारण मास है यानी आ पढ़ा गया है। या देखिए एम ए डी ई, एम ए डी में जो ए है ए के बाद ई आया तो ए का उच्चारण ए के रूप में हो जाता फिक्स, इस ये तरीका पढ़ने का तो मेड हो गया। अगर एम ए एन लिखते हैं या एम ए डी लिखते हैं मैड, यानी कि ए का उच्चारण क्या हो रहा है तो ए हो रहा है मैड मैड, इस तरह से पढ़ते हैं। तो उसके बाद देखिए ई है, ई है ई का क्या क्या पढ़ते हैं, तो ई को दोस्तों ई को बहुत ध्यान देखिए, ई को छोटी बड़ी दोनों तरह से पढ़ते हैं, और इसके अलावा अ आ ए भी पढ़ेंगे। एक एग्जांपल ले लीजिए एम ई एन क्या उच्चारण हो रहा है मेन, अब मीन तो नहीं पढ़ रहे हैं, मीन नहीं पढ़ रहे ना, एच ई ही इसमें ई कार पढ़ रहे हैं, ही पढ़ रहे हैं। या पी ई आर, देखिए पी आर में ई का उच्चारण अ के रूप में क्या पढ़ते हैं, पर पढ़ते, पर से परफेक्ट परमानेंट, या पर भी एक वर्ड ही है। उसके बाद देखिए आई का उच्चारण क्या क्या होता है, आई को सिर्फ आई नहीं बोलते बल्कि अ आ ई ई भी उच्चारण करते हैं, आई तो है ही, आई तो उच्चारण कर ही रहे हैं, लेकिन जो वर्ड मीनिंग में ही एस आई आर अगर आता है तो सैर थोड़ी बोलते हैं, सर बोलते हैं, यानी आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है सर। उसके बाद देखिए ओ का उच्चारण क्या होता है, ओ का उच्चारण अ आ उ और ओ तो होता ही है, जैसे देखिए एस ओ एन में ओ का उच्चारण अ हुआ सन हुआ। यू का इसी तरह देखिएगा, यू तो बोला ही आता है लेकिन अगर एस ए यू एन कर देते हैं तो यू एस यू, देखिए एस के बाद यू और उसके बाद एन कर देते हैं तो सन को क्या पढ़ रहे हैं, आ पढ़ रहे हैं सन है ना। अगर यही एस डबल ओ एन कर देते हैं तो डबल ओ को क्या पढ़ रहे हैं, ऊ पढ़ रहे हैं सुन है ना, सुन पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एस डबल ओ एन यहाँ भी बड़ी ओ के रूप में पढ़ा जा रहा है, जबकि यही वर्ड मीनिंग अगर एफ एल डबल ओ डी लिख देते हैं तो क्या बड़ी ऊ पढ़ा जा रहा है, नहीं तब अ पढ़ा जा रहा है, फ्लड क्या पढ़ते हैं, फ्लड पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ है जो कि समझना होगा, मैंने यहाँ समझाया और इसका अब लास्ट में एक स्लाइड रखा है मैंने, उस स्लाइड को देखेंगे तो आपको वहाँ समझ में आएगा कैसे प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप 10 से 11 दिन के बाद बहुत ही अच्छे से कोई वर्ड्स को लंबे लंबे लेटर्स वाले को पढ़ सकते हैं। चलिए जिनको नहीं पढ़ना तो हमारे पढ़ेंगे कैसे पढ़ा जाता है वर्ड्स मीनिंग, तो पहले देखेंगे और पहले छोटा चलते हैं फिर बड़ा पे आते हैं। तो देखिए अब छोटे यानी कि कम लेटर वाले वर्ड, 7 लेटर वाले, कैम्बोर्ड, कैम्बोर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी, तो जिनको नहीं दिक्कत होती वो पढ़ेंगे हमारे साथ। केमेटिक, केमेटिक है केमर्स। नेक्स्ट है कैंपर्स। उसके बाद देखिए कैंपियर। नेक्स्ट है कैंपिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं कैंपिंग, कैंपल्स। नेक्स्ट कैंचेस। नेक्स्ट है कैंडिग्स। नेक्स्ट है कैंडल्स। नेक्स्ट है के नाइट्स। नेक्स्ट है केनार्ट्स। नेक्स्ट कैनेडी। नेक्स्ट है कैनल्स। नेक्स्ट कैनर्स। नेक्स्ट कैनेट्स। नेक्स्ट है केनेट। नेक्स्ट है केनीज। उसके देखिए केनिंग, आई एन जू किंग बोलते हैं केनिंग। नेक्स्ट है केनन। नेक्स्ट केनोसेस। नेक्स्ट केनोसिस। ये रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोहलवर्गियन, एक बार फिर से कोकिला प्रिया। नेक्स्ट है कोला कोवास्किस। नेक्स्ट देख कोलकोजेनिकी। नेक्स्ट देख कैंटियनिस्ट। नेक्स्ट है कैंटिकोएड कजारियंस। नेक्स्ट देख कजाट जकास। नेक्स्ट है काजिलियन। नेक्स्ट देखिए किथलीज। नेक्स्ट है कर्विंग। उसके बाद देखिए कैरविंग्स। नेक्स्ट कैरविंस। उसके बाद देखिए केल्सिस। नेक्स्ट है केल्सन्स। फिर देख केल्टर्स। नेक्स्ट देख केल्टीज। उसके बाद केल्टन्स है, केल्विंस और है कैम्बिंग्स। नेक्स्ट कैम्बलस।
कैम्बलास और ये है कैम्बल्स, कैम्बल्स ठीक है। अब आगे देखिए क्लोस्टरमैंस, नेक्स्ट है नेक बोस्टर्स, नेक्स्ट है नेवी, के यहाँ पर साइलेंट आपको मिलेगा, अब यहाँ भी के साइलेंट ही है, नेविसनेस, नेक्स्ट है नी कैपिंग, नेक्स्ट निक नैक्स, नेक्स्ट है निक पॉइंट्स, नाइफ पॉइंट्स, नेक्स्ट है नाइट हेड्स, नाइट हेड्स, नेक्स्ट है नाइटहुड्स, उसके बाद देखिए नाइटहुड्स हो गया, यहाँ हु लगा दिए, नाइट लियस्ट, नेक्स्ट है नोब केरीज, उसके बाद देखिए नॉक नॉक है, नॉक अबाउट्स, नॉक बूस्ट्स, नेक है नॉट ग्रासेस, नो नो एबिलिटी, नो एबिलिटी, नो, नेक्स्ट है नोइंगेस, नोइंगनेस, नोइंगनेस, नेक्स्ट है नॉलेजिंग, नेक्स्ट है नकल वॉल, नेक्स्ट नकल बोन, नेक्स्ट है नकल हेड, नेक्स्ट है कोएसिस्टर्स, कोएसिस्टर्स, नेक्स्ट है क्वेस्टेलेरियन है ना, क्वेस्टेलेरियन। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हो ओमनी चैनल इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में या गूगल में टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। सब वीडियो की संख्या 1K+ है, यानी कि 1000 से अधिक वीडियोज़ हैं। अगर आपको बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आते तो आप पढ़ने सीख जाएंगे, अगर लिखना सीखना है तो भी ग्रामर के रूल लेकर सेंटेंस सेट कर दिया गया, बस लिखना है और लिखते समय बोल बोल के लिखना है, जिससे कि बोलने भी आ जाएगा। सब कुछ सीखेंगे बीते जैसे हमने, तो ग्रामर्स की बुक लेना है ना मोटर डिक्शनरी खरीदना है, आपको करना है बस A4 साइज की कॉपी खरीद लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को जब देखेंगे A4 स्क्रीन शॉट लीजिए, स्क्रीन शॉट लेने के बाद जो है देख देख कर लिखेंगे, जी हाँ देख के लिखेंगे, साथ में बोलते बोलते लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू भी। अचानक से मान ली किसी को पढ़ना सीखना है और लगे कि भाई दिक्कत हो रही है, कैसे सीखे, अब एक एक वर्ड को सीखना हो सकता है दिक्कत आपको महसूस हो रही है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए ये टेक्स्ट जो आ रही है टेक्स्ट एनसीईआरटी की बुक से मैंने लिए है, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड वर्क्स वर्ड्स जो है प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे वर्ड मीनिंग ही आपके जीवन में बहुत ही कभी कभी डिफिकल्ट हो जाते हैं पढ़ने में, हो सकता है कुछ लोग को आता हो कुछ लोग को नहीं आता, कुछ कभी कभी कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ वर्ड्स पे आकर अटक जाते हैं, तो वहाँ पर पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात हो रही है यहाँ पर, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड से भी आपको समझ में आया कि आखिर वो कौन सा कारण जिसकी वजह से आपको पढ़ना मुश्किल हो रहा है। तो चलिए कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा करते हैं कि पार्ट्स ऑफ वर्ड जो 40 से 50 होते हैं अगर उसको आप याद कर लेंगे, जिसके लिए वीडियोज़ पहले से अवेलेबल है, तो आपको पढ़ना बहुत ही मुश्किल नहीं होने वाला है, बहुत ईजी आप सब कुछ सीखेंगे। जैसे देखिए डू यू नो दैट अमंग, ONG को अंग बोलते हैं, अब AM के जगह जो है ये अमंग है ना, लेकिन AM के जगह S कर दीजिए तो सॉन्ग हो जाता है, WR कर दीजिए तो रॉन्ग हो जाता है, कई वर्ड बन जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं द लार्जर, ER को R बोलते हैं, E को A के रूप में पढ़ा गया, लार्जर एनिमल्स इन इंडिया, 79 स्पेसीज, IS को ईज बोलते हैं, स्पेसीज ऑफ मैमल, मैमल्स, 44 ऑफ बर्ड्स, ऑफ 15 रेप्टाइल्स एंड 3 ऑफ एम्फीबियंस आर थ्रीटेंड नियरली 1500 भी बोल सकते हैं, 1500 भी बोल सकते हैं प्लांट स्पेसीज, IS को ईज बोलेंगे, आर CUN जो शुरुआती है उसको प्रीफिक्स वर्ड है, जो शुरू में अगर प्रीफिक्स बोलेंगे अंत में तो सफिक्स बोलते हैं, तो कंसिडर्ड इनडेंजर्ड फ्लोवरिंग प्लांट्स एंड वर्टेब्रेट, एक के बाद ही है, एनिमल्स हैव रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट एट अ रेट, एक के बाद ही है एस्टिमेटेड, एक के बाद ही देखिए टी रिकॉर्डेड बोलते हैं, एस्टिमेटेड टू बी 5200 टाइम्स द एवरेज, एक के बाद ही आया तो एक चाने के फिक्स होता है, एक्सपेक्टेड टी डी को टेड बोलते हैं, नेचुरल टी यू के चर बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, नेचुरल रेट वैनिसिंग फॉरेस्ट द डाइमेंशन, SIM क्वेश्चन बोलते हैं, ऑफ डिफॉरेस्टेशन TN क्वेश्चन बोलते हैं, इन इंडिया आर स्टैगरिंग द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री, जी कंट्री इज द एस्टिमेटेड टी डी को टेड बोलते हैं एट 79.42 मिलियन, ऐसे पढ़ेंगे पॉइंट के बाद हमेशा नंबर को सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है, तो 79.42 मिलियन हेक्टेयर
हेक्टेयर विच इज द 24.16%, ई एन टी वेंट बोलते हैं, सी लगा सेंट, पी रहता पेंट, आ रहता रेंट, एन रहता नेंट, कई वर्ड बन जाते हैं इससे, ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया डेंस फॉरेस्ट 12.2% ओपन फॉरेस्ट 9.14% अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट द डेंस ई एन सी को डेंस फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज बाय 3775 स्क्वायर मीटर सिंस सी को सब बोलते हैं 2013। इस तरह से जो है पढ़ना सीख सकते हैं सर्किल वाले चीज़ को, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होगा दोस्तों। अब चलिए, हमेशा आपके दिमाग में ये बात रहना चाहिए कि भाई जो उच्चारण हो रहा है उसका उच्चारण किस तरह से करना सीखना होगा। तो ये देखिए जो भॉवेल है उस भॉवेल को पढ़ने का तरीका याद करने के लिए मैं यहाँ बता दूँ कैसे पढ़ा जा सकता है। जैसे ये भॉवेल है, ये सभी भॉवेल में जो है सभी बॉल्स के अ और आ पढ़ेंगे, उसके बाद ई आई की बात करते हैं तो छोटी बड़ी हो जाता है, यानी अ आई आई हो जाएगा, ओ यू डबल ओ की बात करते हैं तो ऊ का उच्चारण हो जाता है, यानी कि अ आऊ आऊ हो जाएगा। अब देखिए यू को यू बोलते हैं, ओ को आई को आई, और ए को ए तो बोलते ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स ले रखे हैं। आपको क्या करना है कि पहले तो दोनों लिख लें, कोई वर्ड लिखेंगे, देखिए वर्ड जो है 100 से 150 के वर्ड मीनिंग आपको कलेक्ट करने हैं। जी हाँ, 100 से 150 के वर्ड मीनिंग कलेक्ट करने हैं, और 10 दिन में 10 से 15 वर्ड मीनिंग को लेकर जो है रोज़ प्रैक्टिस करना है, और लिख लेना इस तरह से, कोई वर्ड मीनिंग लीजिए लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो जब पहले देखिए कंपनी एक वर्ड है, ए का है, फिर ई के, आई के, ओ के, यू के, डबल ओ से, आपको एक साथ लेना है, कहीं से भी सीक्वेंस लेंगे आवश्यकता नहीं है, कोई वर्ड ले लीजिए और उस लेकिन प्रैक्टिस पर जो उस पर जो कह सकते हैं प्रयोग करेंगे, यानी पूरा यूज़ करेंगे सभी बॉल को एक साथ। जैसे यहाँ पर ओ है, ए है, तो ओ को आ पढ़ा गया है, ए को आ पढ़ा गया है, तो कंपनी पढ़ते हैं, कोई भी नहीं, हर लोग जानते हैं। तो वर्ड मीनिंग वैसे लेने को जिसका उच्चारण पहले से आपको आता हो वैसे ही वर्ड मीनिंग। तो कंपनी में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है सॉल्ट। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है। मैप में ए का उच्चारण क्या होता है, तो ए मैप। उसके परफेक्ट में दो ही है, पहला ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है, ठीक है अ है, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, यानी एक। प्रीफिक्स में दो ई है, पहला ई का जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई का जो है बड़ी के रूप में। टेन में जो ई है उसका उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है। एस आई सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है सर। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, और लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में, लाइन। एसवेंशन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ हो रहा है। आउट में ओ यू टी आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आउट। क्या बोल रहे, आउट बोल रहे, ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ हो रहा है। एम डबल एन मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ऊ हो रहा है। मोटो में दो अंग्रेजी है, एक ओ एक एम के साथ, दूसरा टी के साथ, इसमें ओ का उच्चारण ओ हो रहा है मोटो। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, आ हो रहा है। प्यूटी पुट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, ऊ हो रहा है। ट्यून में यू का उच्चारण ई यू हो रहा है, ट्यून। एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या होगा, आ हो रहा है, फ्लड बोलते हैं ना। लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, लुक। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी वर्ड मीनिंग को बहुत इजी में पढ़ सकते हैं। जी हाँ, और प्रैक्टिस करिए हमारे साथ, अगर नहीं अगर समझ में आए तो रोज़ हमारे साथ बने रहिए, और इसी तरह के वीडियो को देखते एक दिन सभी लोग पढ़ना सीख जाएंगे, बहुत ही धारा प्रवाह पढ़ेंगे, तेज़ी से पढ़ेंगे। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वैसे लोगों जिनको वाकई में पढ़ने नहीं आता, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए, प्ले लिस्ट से, जी हाँ सॉरी प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूले ओमनीसेंट, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक है, और प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर, जिसको देखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक्स, मुझे मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।